शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राम ही जाने इनका का हुई। अरे भैया ये तो बहुत बड़ा कांड हो गई। अब तो बिजली गिरी बिजली। अरे चलो भैया दिखते का हुआ। प्रधान जी है यहाँ पर। तुझे पता नहीं है प्रधान जी कैसे हैं? प्रधान जी अब इनका फैसला आप ही कीजिए। क्या करें इन लोगों का, ये लड़की इस लड़के के साथ भाग रही थी, इन दोनों ने मिलकर इस गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इसके लिए इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर और कोई लड़का लड़की ऐसी हिम्मत ना करे। प्रधान जी इन्हें ऐसी सजा सुनाइए जो इस गांव के लिए एक उदाहरण बने। ए, क्या कर रहे तुम? सुनील क्या कर रहे तुम? प्रधान जी रोकिए ना उन्हें, बोले सुनील को मार देंगे जान से। प्रधान जी रोकिए ना उन्हें, प्रधान जी रोकिए उन्हें। Thank you.
सिंदूर वही सजता है जिसमें बड़ू का आशीर्वाद बसता है। प्रधान जी, इसे माफ दीजिए, बच्चों को माफ कर दीजिए। प्रधान जी माफ कर दीजिए, दोनों बच्चे बालिग हैं। प्रधान जी बालिग, माफी, हम पूरे रीति रिवाज से इनकी शादी करवा देंगे। प्रधान जी, हम आपके पाँव पड़ते छोड़ दीजिए ने। मैं इनकी रीति रिवाज से शादी करवाऊंगा और आपके आशीर्वाद से करवाऊंगा। प्रधान जी बस इन्हें माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। प्रधान जी आप जैसा कहेंगे। हमारे गांव में प्रेम विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ है और न कभी होगा। खुशी ने जो गलती की है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो? अगर इस लड़की का परिवार इस विवाह से सहमत है तो रोकने वाले तुम कौन होते हो? इन संबंधों का जमवाड़ा नहीं, गांव की पंचायत है। यहाँ पंचों की चौपाल पे जो फैसले होते हैं उसमें गांव के हित छुपे होते हैं। अगर आज हमने इसकी शादी स्वीकार कर ली तो कल न जाने गांव की कितनी लड़कियां गांव से भागकर शादी करेगी। गांव की बदनामी होगी और हमारे गांव में प्रेम विवाह के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारे नीति नियम है और हमेशा रहेंगे। इंसान टूटे, रिश्ते टूटे, वचन टूटे, पर नीति नियम नहीं टूटेंगे। कोई भी नियम अपनी सुविधा से बदल नहीं सकते। जो नियम इंसान को जानवर बना देना, ऐसे नियम को बदल देना चाहिए। रुकिए, आप हमारे प्रधान जी से ऐसे बात नहीं कर सकते। हमारे गांव के प्रधान जी से बदतमीजी करने वाले को इस गांव वाले नहीं छोड़ते। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी का मुंडन ओके रहेगा। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने इस लड़की को हाथ में लगाया तो मैं गांव में पुलिस बुला लूंगा, समझे? कोई हाथ नहीं लगा सकता। जहर अमित जी, क्या जरूरत थी आपको सबके पछड़ों में पड़ने की? अमृता, हम किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते, खासकर जब किसी मासूम पे अत्याचार होता है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, भले ही हम शहर में रहते हैं लेकिन हमारी जड़ें तो इस गांव की मिट्टी से ही है ना, और जब कोई जड़ पे जहर लगाता है ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है।
क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है? मुंह बंद कीजिए। विद्या, निधि, आप लोग डरो मत। कुणाल संभाल के, एक मिनट, हम अभी आते हैं। आप कुछ दिन के लिए हमारे गांव आए और गांव के नीति नियम की तो धज्जियां उड़ा दिए। अरे लेकिन प्रधान जी के मान सम्मान का चीड़ फाड़ कर दिया आपने। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए नहीं। अमित जिगरी यार है हमारा, इसने एक भी खड़ो चाहिए ना तो समझ लेना हमला हम पे हुआ है। किसी ने हाथ भी लगाया ना तो बवाल मचा देंगे, बवाल। गाड़ी साफ करके घर पे लेके आ। जब अमित तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये गांव में गुंडागर्दी कब से शुरू हो गई यार? अरे वो सब भूल जाओ, गांव आए थे तो घर क्यों नहीं आए? अरे मैं घर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में हमला हो गया। मैं वो सब छोड़ो, चलो घर चलते हैं। चलो 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 बच्चे लोग, आ जाओ आ जाओ। अरे जया, अरे देख कौन आए हैं। लगता है प्रधान जी आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। कैसी हैं? बहुत अच्छे, और आप लोगों को देख के और अच्छे हो गए। हाँ, काफी टाइम के बाद आना हुआ मेरा। अमृता, अरे जया नई साड़ी है, महंगी है, गीला हो गया देखो। माफ करना अमृता, तुमसे मिलने की खुशी में साड़ी पे ध्यान ही नहीं किया। कोई बात नहीं, साड़ी नई आ जाएगी। वैसे हम भी बहुत खुश हो गए तुम्हें देखकर। अरे बच्चे, भाभी वो आशी नहीं दिखाई दे रही? भाई साहब वो स्कूल गई है, वक्त लगेगा आने में, तब तक आइए ना, चाय नाश्ते कीजिए। आइए भाभी, आपके हाथ की बॉयम वाली पूरी खाए बहुत टाइम हो गया, तो अभी बना देते हैं। आज खिला दीजिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। माँ कल मुझे भूख लग रही है। आ रहा बेटा खाना, अभी आ। ये बात ये लो बेटा। अरे बाप रे, ये तो बहुत तेल है इसमें जया, अब देखो ना ऊपर से बह रहा। हम नहीं खा पाएंगे, वो क्या है कि आजकल डाइटिंग शाइटिंग चल रही है ना, तो कोई बात नहीं अमृता, अब भी गर्मा गर्म रोटियां सेक देते हैं तुम्हारे लिए। अब कोई बात नहीं, अब कहाँ रोटियां बनाने बैठोगी तुम, खा लेंगे पूड़ियां हम, लाओ ना चलती। डालो और दो डालो। भाभी जी, शहर का रंग आप पे खूब चढ़ा है। विनोद, अगर तुम ना होते ना तो हम शहर कहाँ जा पाते, तुमने हमें बिल्कुल शहरी बना दिया। अगर तुमने पैसों से हमारे बाबूजी की फैक्ट्री ना बचाई होती ना तो ना जाने आज हम कहाँ होते। अतीत को छोड़ो, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने कर्ज दिया, तुमने उतार दिया, बात खत्म। एहसान तो तुमने किया है, हाँ कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। दोस्त भी कहते हो और एहसान की बात भी करते हो। चलो खाना खाओ। भाभी आज तो आशी का जन्मदिन भी है ना, तो याद है आपको? अरे आशी का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसे लगा भूल गए, दो दिन से गांव में और मिलने नहीं आए, बहुत नाराज है आप। सेवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं विद्यालय की दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली है, सारे बच्चे मैदान में उतर चुके हैं, तो तालियों के साथ बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाइए। प्रतियोगिता शुरू होने में बस 3 सेकंड, 1, 2, 3 और प्रतियोगिता हो गई शुरू। आखिर आशी ने अपना झंडा गाड़ ही दिया, तो आज का ये मान, आज का ये सम्मान, आज की ये जीत, ये प्रतियोगिता होती है आशी के नाम। आशी तू जीत गई ना, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें लग रहा है हम सब जीत गई। आशी कभी हारती है क्या? जय श्री राम। तुझे पता है तूने लड़कों को भी हरा दिया?
हम लड़की किसी से कम है क्या? हमारी आशी तो बड़ी सयानी हो गई। आशी, आशी मेरी बात सुन बेटा। आशी, क्या हुआ? तू अपने पापा से नाराज क्यों? हमने ऐसा क्या किया है? आप हमसे मिलने नहीं आए। हाँ भाई, ये गलती तुमसे हो गई। अच्छा, हमका माफी दे दियो। वैसे एक बात है, तेरा गुस्सा ना बिल्कुल तेरे बाबा जैसा है। बाबा जैसा नहीं है, माँ जैसा है। मीठा वाला गुस्सा। मीठा वाला? तो ठीक है, फिर हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आशी के लिए मीठी मीठी चॉकलेट्स। ये सब हमारे लिए? अरे पगली, इतनी सारी चॉकलेट खाएगी तो तेरे दांत में कीड़ा लग जाएगा। आज तेरा जन्मदिन है ना, तो ये सब तेरे दोस्तों के लिए, तो दोस्तों को बांट दे, ठीक है? और हाँ, शाम को अपने जन्मदिन पर अपने सारे दोस्तों को घर पे बुलाओ, दावत है। लेकिन कल तो हमारा इम्तिहान है। तुम्हें तो सब याद है ना, तो आज तुम दावत कर सकती हो। क्या बात है, आज दावत होगी।